फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेक्निकल स्टार प्लंडर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एयर कंडीशन कूलर का ग्रास घास किस तरह एक्सचेंज करते हैं, उसको कैसे बदला के नया करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सिखाने का कोशिश करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट एंड तक जरूर देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये है गर्मी का मौसम है। दोस्तों, हर लोग क्या है, गर्मी के मौसम में कूलर को इस्तेमाल करते हैं, कूलर को बाहर निकालते हैं और कभी कभी वो ख़राब होती है और क्या होता है कूलर में। लेकिन पंखा अच्छा चल रहा है, फुल फास्ट चल रहा है, लेकिन कूलिंग नहीं आ रहा है। इसमें क्या दिक्कत है बोले तो दोस्तों, ये घास रहता ना दोस्तों, ये घास पुराना होने से वो पानी नहीं रुकेगा। दोस्तों, जब क्या होता है, पानी ना रुकने से कूलिंग नहीं आएगा प्रॉपर से। ये घास जलने से कूलिंग क्यों आता है बोलते तो पानी रुकता है, जब इनको वो अंदर का हवा कूलिंग होकर बाहर को आता है। दोस्तों, ऐसा ही आप पता कर ले सकते हैं। दोस्तों, हर साल इसको घास को चेंज करने से आपको बहुत ठंडा कूल जरूर मिलता है। बहुत गर्मी के मौसम में ठंडा यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल पे कोई नया आया सब्सक्राइब करें, अगर से नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, ये कूलर का ग्रास है, इसमें तीन सेट रहते हैं। दोस्तों, ये तीन सेट तीन कूलर में सेट हो गए। दोस्तों, हाँ, हमें नया किस तरह एक्सचेंज करते हैं मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पुराना वाला एयर कंडीशन कूलर का ग्रास है, ये पूरा बहुत सालों से चंदे से बाजू रखने से ये पूरा ख़राब हो चुका है और हमें इसको नया चेंज करना है। ऐसा रहने से क्या होता बोले तो कूलिंग नहीं आएगा दोस्तों प्रॉपर से, क्यों कहते इसमें पानी नहीं ठहरेगा, इस पर एक देर को पानी हिंडी चल जाता और नया घर में पानी टिकता है जब आपको कूलिंग आता है। दोस्तों, इसमें छः स्क्रू लगाते हैं दोस्तों, एक दो तीन चार पाँच छः। देखिए दोस्तों, इस तरह छः स्क्रू रखे, मैं खोल लिया हूँ ऑलरेडी, आपको दिखाने में से आसान हो गया। इस तरह ये रिमूव होता है, देखिए दोस्तों इस तरह होता है। अब हम इस तरह देखिए दोस्तों, इस तरह एक दो तीन रहते हैं सेट में, अब हम एक सेट इसमें निकाल, अब हमें इसमें एक सेट निकाल के इसमें डाल देना। सिंपल दोस्तों, बहुत आसान तरीके से हमें ही खुद ही घास रस एक्सचेंज कर सकते हैं, नया मार्केट में खरीद के हमें ही डाल सकते हैं। दोस्तों, सिंपल से दोस्तों इस तरह बिछाना है नीचे, तो बिछाने के बाद इसको हम इसमें चिपका देना है। मैं आपको दिखाने से घर से काम कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें डबल ऐसा मोड़ लेना है। ऊपर रख देना है दोस्तों, इस तरह रखने के बाद इसमें स्क्रू भी लगा देना है। देखिए दोस्तों, बहुत आसान है दोस्तों, इसी तरह ये मॉडल है, प्लास्टिक मॉडल है दोस्तों, इसी तरह सेम टू सेम है कि कड्डियाँ जैसे आते दोस्तों, मेश जैसे मेश आयरन मेश, वो मॉडल अब पूरा है कि नया सिस्टम बदला है दोस्तों, पूरा है कि प्लास्टिक मॉडल आ रहा है दोस्तों। अब ज़्यादा से ज़्यादा अब होने के बाद इसको हमें उठा देना है दोस्तों, दबा लेना है, क्योंकि सड़ें को खराब दिखेगा।
इसी तरह एक एक कूलर एयर कंडीशन में तीन सेक्टर रहते हैं, तीन डोरा रहते हैं, तीन डोरा में भी बदला लेना। फिनिशिंग पूरा हो चुका है। इसी कूलर के घास में एक एक्सचेंज नया बदला सकते हैं दोस्तों। आपको पूरा ग्रास का मैटा कैसा एक्सचेंज करते हैं, किस तरह एक्सचेंज करते हैं कूलर ग्रास हो घास हो, मैं इस वीडियो में बता दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों पूरे सिट्टा में चेंज कर दिया हमें, एक दो देखिए दोस्तों तीन। इसी तरह आसान से आप कर सकते हैं दोस्तों। ये ओल्ड मैट्स है दोस्तों, ओल्ड कहाँ से पुराना कहाँ से दोस्तों। ये कूलर के कनेक्शन किस तरह होते हैं, किस तरह करते हैं, वाइंडिंग हो क्या भी हो रिपेयर हो, मैंने स्टूडियो में बता देता हूँ दोस्तों। दोस्तों हमें किसी तरह खुले उसी तरह फिट कर लेना है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अब पूरा होने के बाद डोर्स फिट करने के बाद हमें यानी कि ये पाइप्स फिट कर लेना है दोस्तों, पानी के पाइप्स। देखिए दोस्तों ये पाइप्स का कैसा है, हमें उसको साथ हमें उसे लगा देना है दोस्तों। ये काम खुद ही आप ही कर ले सकते हैं दोस्तों, कोई कूलर मैकेनिक का जरूरत नहीं आपको, क्योंकि हर काम में आसान तरीके से कर ले सकते हो आप दोस्तों। हर काम में आप मैं सिखा देता हूँ। मेरे वीडियोस को आप एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट ये पाइप ये तीन में पाइप में इस तरह बढ़ जाता है दोस्तों। आप पूरा फिनिशिंग होने के बाद चेक कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों इसी तरीके से सेम ये तीनों डोर में भी ऐसे आराम से फिट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये इस तरह बढ़ जाता है, पानी इसमें से आके घास में पड़ता है दोस्तों। दोस्तों आप कोई तो नया घास चेंज करना चाहे तो जो मेश वाला रहता ना दोस्तों वो नया घास चेंज करो दोस्तों, अच्छा कूलिंग आएगा काफ़ी। दोस्तों ये काम आप खुद ही हर लोग भी घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं दोस्तों। ये काम को सिर्फ टूल्स का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक टेस्टर है तो आपका काम हो जाता है दोस्तों। ये घास इलेक्ट्रिकल शॉपों में मार्केट में ये घास कम में मिलता है दोस्तों, लेकिन मैकेनिक के पास गए हो तो वो ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि उसका चार्ज सब मिला के आप पे। देखिए ना दोस्तों आप नया घास को किस तरह चेंज करते हैं, किस तरह फिट करते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप बारीक से लेके बारीक मायने समझा दिया हूँ दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, लाइक करें। एक अंगूठा लगना है दोस्तों। अब ये कूलर को हमें चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मस्त कूलिंग आएगा दोस्तों, ये इसी तरह कूलिंग आएगा, घूमता है। देखिए अभी मोटर ऑन करता हूँ। देखिए दोस्तों ये कूलर में पूरा वायरिंग नया वायरिंग किया है मैंने। ये पंप मोटर का आवाज़ आता है। देखिए दोस्तों देखिए पंप का रहा था, देखिए ये साउंड आता नहीं पंप का है दोस्तों। मुझे टाइम जमना ना हको, मैंने क्या किया है खाली घास का एक ही में बता दिया हूँ। नेक्स्ट टाइम में कूलर का वायरिंग जरूर बता देगा। आपको कोई तो ज़रूरत होने बोल तो मेरे कमेंट बॉक्स में एक कूलर वायरिंग कर दो भाई करके पूछे तो मैं ज़रूर कर देता हूँ दोस्तों। मोटर वायरिंग हो, कूलर पंपिंग हो, जो भी काम मेरे से पूछना चाहता हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों आप खुद ही ये कूलर का घास हो या कूलर का पंप मोटर चेंज हो, मोटर का ये काम हो,
आप खुद ही कर ले सकते हो दोस्तों, काफ़ी खर्चा बचा सकते हैं दोस्तों पैसों का, क्योंकि हर रुपया मेहनत का सी आएगा। इसीलिए दोस्तों ऐसे ही मालूमात वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में ऐसे बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियोस आपको मिलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट फ्रेश वीडियो में मिलते हैं, खुदा हाफिज़।